वापिस आ गए तुम लोग। खुशी हुई तुम लोगों को देखकर, बहुत दिनों के बाद। वो तीसरा कहाँ है? बॉस वो शहर में नहीं है। बॉस दासा लोग हैं, अभी तक आपका जख्म भरा नहीं है। बॉस आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने अपने बाइक का बदला ले लिया है। अभी मेरा हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ और ना ही मैं उस रात को भूला। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने। मेरा बेटा उसके पेट में ही मारा गया। वो आंखें आज भी मुझसे सवाल करती कि क्यों, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, अपना कारोबार करना चाहता था। क्या बस सिर्फ इतना ही जर्फ था उनका कि वो मेरी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सके? ना, बस कमो विना चिदना बहेगी ओम दे दीविनी न बदे मर्शी देना। सही चीजू उनके दिए हुए जख्म आज भी मेरे वजूद पर मौजूद हैं और जब तक मैं उन भाइयों को उनके कारोबार समेत खत्म नहीं कर देता, मेरे वजूद के जख्म भरेंगे नहीं। नहीं, हम आपके साथ हैं। उस रोज भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। जाओ तुम दोनों अपना अपना काम संभालो, बाकी बातें फिर करेंगे। जाओ। बस करो रा बस का नूर मस्का था लान लख पल जन पदे तबा के खबर अदा चितरूर दमर गम यवाजिस्तान न दे जमाम दे जमाम हो सखो सखो जमा हा गरूर जमा टोल कारोबार बे संभालो जमादा खोर बे संभालो हर वक्त माता ताबेदार वालाड़ो जमा हर योकार तबा रेडी वालाड़ो अवतवे चिखो खो खोमो पके निष्ठा पके खोमो निष्ठा पके जमारूर मर्शवे न दे नरे मर्शवे जमारूर विष्टल ऐशवे दे
او زمان رور ها غزم دراخ بوز وجلے دے. اس وقت شہر میں باوس کی حکومت ہے. زیادہ تر میڈیسن کا نیٹ ورک وہی کنٹرول کر رہا ہے اور آگے جانے کے لیے اپنے دشمنوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے. وہ تو کیا کاروبار میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا کمپٹیشن بڑھے. نوکر تھا میرا, سارا کام مجھ سے سیکھا ہے اور آج بوس بن کر میرے سر پہ بیٹھا ہے. مگر وہ دن دور نہیں ہے, نہیں ہے وہ دن دور جب اس کا حکومت ختم ہوگا اور اس کی حکومت ختم کرنے میں سب سے پہلا نام میرا ہی ہوگا. مگر اس حکومت کو اکیلا بندہ ختم نہیں کر سکتا. یو نیڈ ہیلپ. میرے پاس ایک پلان ہے. ارے السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تمہاری دوائیاں. دوائیاں تو میں کھا رہی ہوں لیکن ان سے افاقہ تو کچھ ہوتا نہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ, ضرور ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ نہ بھی ہوا نا تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلے چلیں گے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم ایسا کرو, تم بیٹھو, میں تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں. بھوک بڑی لگی ہے, کھڑے کھڑے نہیں مل سکتا. عابدہ, تیمور نظر نہیں آ رہا. ابھی دفتر سے آیا نہیں؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آیا. تم لوگ خان کے لیے کام کرتے ہو, موت بیچتے ہو اس ملک میں خان کے لیے؟ خان کے لیے نہیں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں. سب کو ایک روز مرنا ہے. ساری زندگی تو کوئی یہاں نہیں رکے گا, تو پھر کیا فرق پڑتا ہے انسپیکٹر صاحب کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کاروباری ہوں, صرف کاروبار کرتا ہوں. ہلو, میں انسپیکٹر احمکمل بات کر رہا ہوں. یہ خان کے آدمی انہیں چھوڑ دو, تمہیں تمہارا حق مل جائے گا, سمجھے؟ میرے پاس اس کے خلاف ثبوت ہیں اور میں اس موت کے سوداگر کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. انسپیکٹر, تم اپنی زندگی کی طرف چل نہیں رہے ہو بلکہ اپنی موت کی طرف دوڑ رہے ہو. یہ وقت خان کے ساتھ الجھنے کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلنے کا ہے, کیونکہ وہ شہر کا سب سے پاورفل آدمی ہے. موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. تجھے اور خان کو جو بھی کہنا ہے عدالت آ کر کہنا. میرا کام مجرموں کو پکڑنا اور عدالت تک پہنچانا ہے. ان کو سزا دینا یا نہ دینا عدالت کا کام ہے, میرا نہیں, سمجھے؟ کاشف, اس کو حوالات میں ڈالو, باقی کاروائی میں آگے کروں گا. اوئے, چلا گیا.
शुक्र है, बड़ा मारा है मुझे उसने। एक दफा मुझे बाहर निकलने दे, फिर बताऊंगा तुझे। चुप करो, मैनू अजय बड़े काम करने ने। काशिफ। यस सर। भाई तैमूर से मैं बहुत खुश हूँ, और अब तो माशाल्लाह उसने पुलिस डिपार्टमेंट से वो अच्छी कारकर्दगी का मेडल भी ले लिया है। भाई आज के दौर में ऐसे बेटे बहुत कम मिलते हैं अब्दा। बिल्कुल सही कहा आपने, माशरे को अच्छा बनाने के लिए अच्छे पुलिस वाले का होना भी बहुत जरूरी है। यही सोचकर तो आपने पुलिस में भर्ती करवाया था उसे। भाई हमारा खानदान नस्लों से वतन परस्त रहा है। अल्लाह गरी की रहमत करे, तैमूर के दादा वतन बनाने में सरगर्म रहे। पाकिस्तान बना तो मैंने अपनी कौम की पुलिस के महकमे में रहकर बड़ी दयानतदारी से खिदमत की, और अब माशाल्लाह मेरे बेटे तैमूर की बारी है। मगर भाई ये तुम्हारा लाडला बेटा बबरक, ना 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 ना, उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। ना ले बे जुगनू, आखिरी बॉल है। हाँ। हम मैच हार रहे हैं। नहीं यार, अपने पैसे तो गए। अबे टेंशन ना ले यार, पापा खेल रहे हैं ना, खबर कर। माँ कहती है कि मेरा बेटा एक दिन कमाल दिखाएगा। पर यार अंकल तो कहते हैं ये निकम्मा है। हाँ। अंकल मर गए। मगर किस्मत को हमेशा मेरे लिए कुछ और ही मंजूर रहा है। जियो मेरा शेर, जियो। ये चीज शहजादा। पैसे बाबा, पैसे निकालो, पैसे, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, ए लड़को, मैं कहता हूँ ये बॉल किसकी है? किसकी है ये बॉल? इसकी है। ये बॉल तुम्हारी है? इस बॉल से मेरे घर का शीशा टूटा है। क्रिकेट खेलनी हो तो ग्राउंड में जाकर खेलो, क्रिकेट खेलनी हो तो यूनुस खान, इमरान खान की तरह खेलो, ताकि कौम तुम पर फखर करे। इसी तरह लोगों को तंग करते रहोगे तो अल्लाह तुम लोगों पर ये दुनिया तंग कर देगा। अंकल आप नाराज ना हो, ये पैसे रख ले, नया शीशा बनवा लीजिएगा। मुझे पैसे दे रहे हो? मुझे? मैं बेकारी नहीं हूँ, इस कोठी का मालिक हूँ मैं, शीशा मैं खुद ठीक करा सकता हूँ। आइंदा तुम लोगों को यहाँ क्रिकेट खेलते हुए ना देखूं, समझे? शीशा बहुत महंगा है। हद कर दी कसम से। सही कह रहे। देर हो गई यार, चलो चलें। चलो चलो। डिग्री मिल गई, अब आगे क्या करने का इरादा है भाई? अबू तो चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी ज्वाइन करूं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक काफी है, मुझे पुलिस वुलिस ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं है। अरे यार तो फिर क्या करने का इरादा है वो बता। बिजनेस। बिजनेस? पैसे पूसे जेब में है नहीं, और चला है साहब बिजनेस करने, वाह जी वाह। क्या बात है। अबे पहले नौकरी करके पैसे जमा करेंगे फिर बिजनेस करेंगे ना। पर पाकिस्तान में नौकरी के लिए सिफारिश और पैसा बहुत जरूरी है। अब हम लोग वैसे भी टॉपर्स तो है नहीं, हर कोई दरवाजे खोल के वेलकम करेगा। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बी पॉजिटिव यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है, हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी निकले। ये ठीक कह रहा है। बहुत मुश्किल है भाई, ये पाकिस्तान है पाकिस्तान।
ले बाबा, तुम्हारा होनहार भाई आ गया है, हम चलते हैं। अबे निकल यार अफसर, आगे निकल निकल, ये दिमाग चाटेगा। अबे मेरी बात तो सुन। अबे फिर सुन लेंगे यार, निकल निकल। ओ राणा जी ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अबे बात तो सुन। अबे ओ बाबा चुप कर जा, कान खा जाएगा हमारे। निकल यार निकल। ओए तुम लोग बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हो, तुम्हें पता नहीं है बगैर हेलमेट के बाइक चलाना एक जुर्म है? ये एक गैर कानूनी अमल है। सॉरी सर, ओके नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह इंस्पेक्टर जी, बाय बाय। बड़े ही नालायक दोस्त है तेरे। ओ तू यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ले आया? यस। ओ बाबा मेरी बात तो सुन यार। यार मैंने पुलिस वुलिस ज्वाइन नहीं करनी, आई हेट दैट। इस मुल्क में बल्ला घुमाकर पैसा कमाने वाले लोग 20 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 15 हैं, और नौकरी करके इस मुल्क को और अपने घरों को चलाने वाले लोग 6 करोड़ से भी ज्यादा हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, असली खुशी तो अपनों को खुश देखने में है। किस खुशी की बात कर रहा है तू? ये पाकिस्तान है, यहाँ सरकारी नौकरी से कमाई जाने वाली रिश्वत को लोग हलाल समझते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। कोई चोर है, कोई डाकुओं से मिला हुआ है, और कोई जाली अशियात का काम कर रहा है, और कोई तो बिला वजह ही बम ब्लास्ट करी जा रहा है। हमारे पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिला हुआ है, समझा? ये कायदे आजम और अलामा इकबाल का मुल्क नहीं है, बल्कि ये तो अब मुल्क ही नहीं है। इसलिए मुझे अपना काम करना है, समझा? नौकरी नहीं करनी। मैं जानता हूं कि इस मुल्क को मुफाद परस्तों, करप्ट सियासतदानों और अफसरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, मगर इस मुल्क की तरक्की का बेड़ा हम जैसे नौजवानों के हाथों में है, और हम जैसे नौजवानों को अपनी कुव्वतों को थकाना होगा इस मुल्क को तरक्की देने के लिए, तभी बनेगा ये एक मुल्क, तभी बनेंगे हम एक कौम। अगर हम जैसे नौजवान ही शिकवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ये सब चीजें मेरे भाई कभी ठीक नहीं होंगी। अब्बू ने अपनी जवानी और अपनी कुव्वतों को 30 साल इस मुल्क के लिए थका दिया। क्या दिया सरकार ने उन्हें? क्या है हमारे पास आज इस विरासत के अलावा? ये सब के सब मिले हुए हैं, ये सिर्फ हमें डिस्करेज करना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की देना नहीं चाहते। ये सब हराम के आदि हो चुके हैं, बस। मायूसी गुनाह है हमारे मजहब में, कुरान हमें गुस्से से नहीं हिकमत से अमल करने का हुक्म देता है, और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, जिंदगी गुजारने की हर जरूरत और तालीम भी है मेरे पास, और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जबकि हमें इस दुनिया में रहना ही एक आरजी मुद्दत के लिए है। कुरान को लोगों ने मेरे भाई घर में सिर्फ सजाने के लिए रखा है, उस पर अमल करने के लिए नहीं। लोग इसे किससे कहानियों की किताब समझते हैं, और वो भी पुरानी। Come on. आज मजहबी किताबों का ये हाल है कि दुनिया की कोई भी कौम उस पर अमल नहीं कर रही है। अच्छे लोग इस दुनिया में आटे में नमक के बराबर रह गए हैं, समझा मेरे भाई? बाबा अब्बू को मौलाना साहब कह रहे थे कि कुत्ता घर में नहीं रखना चाहिए, इससे रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। रहमत के फरिश्ते कुत्ते की वजह से नहीं, हमारी अपनी मुनाफकत की वजह से नहीं आते। यार वैसे मेरी समझ में नहीं आया, उसने ये सब कुछ कर कैसे लिया? हाँ और सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा है? मेरा कारोबार बिल्कुल
ठीक है मेरे दोस्त, अब सेठ साहब की बहुत जमीनें हैं, अल्लाह की दी हुई दौलत भी बहुत है, पूरे पाकिस्तान में शराब का सबसे फैला हुआ कारोबार सेठ साहब का है। ओए अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये कही ना पते की बात। इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, कराची, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सेठ साहब की शराब की सप्लाई ना जाती हो। फिर आपको तो पता है ना, नयाब अभी छोटी है, फिर उसकी और इसकी उम्र का बहुत फर्क है। लीव इट यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो क्या कहते हैं कि दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखिया। सही कहा भाई, सही। अरे बेवकूफ, तेरी शराब और खर्चे के जिम्मेवार सेठ साहब हैं, और क्या चाहिए तुझे इसके अलावा हैं? मामू खाना लग गया। अच्छा बेटा। अरे दोस्त हबीब, तू सिर्फ हाँ कर, यहाँ का सारा कारोबार और तेरी भांजी की जायदाद भी यहीं रह जाएगी, तू सिर्फ शादी के लिए हाँ कर। मेरी बात को फॉलो किया है? लेवी, एक बात तो बता, तेरी मेरी दोस्ती पक्की है ना? हाँ? वो कहते हैं ना, बिल्कुल सोने पे सुहागा, वैसी। मगर मुझे तुझ पे कोई डाउट नहीं है, मुझे तो उसकी फिक्र है, वो जो बहुत खूबसूरत है। मुस्कुराती है तो जैसे जादू सा छा जाता है, आवाज बहुत मीठी, बिल्कुल सफेद। और बाकी तो मैं अभी बच्चा हूं, अभी तो मैंने दुनिया देखनी है। ऐसा ना हो कि कहीं वो मुझे दोस्त कहते कहते अपने बच्चों का मामू ना बना दे। ओ नो, ओ माय गॉड, आज रात तो हमें डेढ़ की तहरे भी करनी है। आज तो मैं उसे पक्का पक्का कह ही दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। चल चलें, आज डेढ़ की तहरे भी करनी है, कम ऑन लेट्स गो, चलें। ये क्या है? ये फूल है। पर ये तो गोभी का फूल है। हाँ, ये तुम्हारे मामू के लिए। और एक सेकेंड, ये फूल तुम्हारे लिए। तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो, क्यों रो रो के अपने कीमती आंसू पानी की तरह बहा रही हो? क्या बात है, मुझसे शेयर नहीं करोगी? क्या मेरी जिंदगी का कोई नोबल मकसद नहीं हो सकता? क्या हमें हक नहीं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का और फैसले करने का? लेकिन मर्द सिर्फ औरत को इस्तेमाल करना जानते हैं अपने जाती फायदे के लिए। क्या क्या, कब किया मैंने तुम्हारा इस्तेमाल? डैम इट, दुख तो इस बात का है कि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं तुम्हारी बात नहीं करी, मैं और मर्दों की बात कर रही हूँ। क्या मतलब, और मर्द तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और भी मर्द हैं? इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। मत तंग करो मुझे। कौन कमबख्त तुम्हें नहीं पहचानता, मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है, मोहब्बत। तुम मेरी जिंदगी हो, और तुम्हारे बगैर जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
जाने में छुपाऊं, मन में हंसाऊं, तुझे कभी न रुलाऊं, तुझे गम से बचाऊं, तुझे खुशी में डुबाऊं, तुझे रूठे में बनाऊं, तेरी सांसों में समाऊं, तुझे अपना बनाऊं, तुझे सीने में छुपाऊं, तेरी बोली बोली आंखें जैसे काली काली रातें, तारे सुनने आते तेरी मीठी मीठी बातें, कोई कहे ना आवारा तेरे प्यार ले बिगाड़, धक धक मेरा दिल मारे तुझ पे बेचारा, मेरी पलकों के बाद तेरे पैरों के नीचे दोनों आंखें मीठे मीठे चल तेरे पीछे पीछे, वो तो है मेरा गुरूर, तुझे देखे झुकूंगी तो मैं इसे आजमाइश मेरी मोहब्बत की है या ईमान की? दोनों की। अगर ईमान खो दिया तो मैं मोहब्बत भी हार जाऊंगी। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हारी सांसों की खुशबू ही काफी है। नायाब, हाँ? तुम्हें यहां आने की जरूरत कैसे हुई? मामा जी, वो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। शादी? क्या औकात है इसकी? ना कोई जायदाद है, ना ही कोई नौकरी। बाप और भाई के पैसों पे जिंदा है ये। कुछ नहीं दे सकता ये तुझे। ये ही इसकी हकीकत है, जो कभी नहीं बदल सकती। जाओ यहां से, जाओ। एक बात याद रखना, मैं उसकी शादी
कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। और अगर दोबारा तुम मुझे यहाँ दिखाई दिए, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे तुम? मम्मा हीरदा, समझे तुम? आपदा जी, खैर तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। दवाइयाँ खा रही है ना? आपको पहले भी बताया था मैंने कि दवाइयाँ तो मैं टाइम से खा रही हूँ, लेकिन कुछ अफाका नहीं हो रहा। अम्मी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं ना। अरे नहीं बेटा, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, अभी ठीक हो जाऊंगी। हाँ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा के जाओ। अम्मी, मैं खाना आकर खा लूंगा, इट्स ओके। मैं जरा फार्मेसी जाके पता करके आऊं कि आखिर ये दवाइयां असर क्यों नहीं कर रही। और वैसे भी हमारे मुल्क में आजकल जाली दवाइयों का बहुत बिजनेस है। ऐसे बहुत से केसेस है डैड जिन्हें मैं रोज डील करता हूँ। मैं जरा पता करके आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, खाना खाओ, मैं दवाइयां लाया था तो मैं ही पता करके आता हूँ। बेटा खाओ। लेकिन मैं भी आता हूँ। अम्मी आप प्लीज खाना खाएं, आपकी तबीयत पहले ही बहुत नासाज है, आप बिल्कुल खाना नहीं खाते। पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा, यहां तो आवे का आवा ही टेढ़ा है। हर आदमी को लालच दुनिया की, पैसे की, नाम की, हवस की, सब लोग शिकार हैं झूठ के, बेईमानी के। इन हालात में पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा, और मुल्क के साथ ही तो हम नौजवानों का मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा। न जाने क्या क्या ख्वाब मेरे बाप ने मेरे लिए देखे हैं। माँ कहती है एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कैसे समझाऊंगा उसको कि उसके ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं। मुल्क तो कलमे के नाम पर ले लिया था, मगर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। आज पहली बार मेरा दिल किसी का खून करने को किया। अरे बेटा क्या हो रहा है? कुछ नहीं मामा जी, मैं टीवी देख रही थी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ। मेरे लिए क्या लेके आया मामा जी? खुद ही चल के देख लो, आओ। नहीं मामा जी। ओहो चलो आओ, शाबाश, आओ मेरा बेटा। मेरी बात तो संभालो, और संभालो अपने शहजादे को।
आज खून करने चला था ये। मैं वहां ना होता तो आज ये हवालात में होता। क्या कह रहे हो तुम पब्रिक बेटा? क्या तेरे बाबा सच कह रहे? क्या वाकई तुम किसी का खून करने लगे थे? और 30 साल से तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार रही हो, जानती नहीं हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम्हारे भेजा लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है मेरे बेटे को। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आज इसकी आंखों में जो मैंने गुस्सा देखा है, एक दिन वही गुस्सा इसे इंसानियत का कत्ल करने पर मजबूर कर देगा, और ये एक बड़ा आदमी बनने की बजाय सारी इंसानियत का कातिल बनकर रह जाएगा। डैड बताएं तो सही, आखिर बात क्या है, ये मसला क्या है आखिर? और इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा तजवीज कर ली इसने, और कोई अकल मौत है इसे कि नहीं? वो मुझसे बात कर रहा था, इसे नहीं। अब्बू अब्बू आप अब गुस्सा ना करें, आप उसको तो गुस्सा काबू करने के लिए कह रहे हैं मगर खुद गुस्सा कर रहे हैं। अब्बू क्यों क्यों लड़ाई की तूने? तू तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, फिर ऐसा क्यों किया तूने? मां मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मां, अपने बाप की तसलील, वो भी एक एक घटिया से इंसान के हाथों, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका मां। बस अपने गुस्से पर काबू रखना सीख बेटा, और इसको सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख। अच्छा छोड़, मुझे ये बता तेरी नौकरी का क्या बना? अच्छा परेशान ना हो, मायूसी गुनाह है, देख लेना एक दिन तुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। माँ इतने सारे कपड़े, मामा जी ये किसके लिए हैं? तुम्हारी शादी के बेटा। मेरी शादी? मगर किससे? मेरे दोस्त से, और किससे? मामा जी मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। आज रात तुम्हारी शादी है, तैयार रहना, मैं आज के आज ही अपने फर्ज से फारग होना चाहता हूँ। मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती मामा जी। पागल तो नहीं हो गई? वो तुझे और मुझे पैसों से निला देगा, तेरी और मेरी जिंदगी बन जाएगी। थोड़ा सा बूढ़ा है तो क्या है, रुपए पैसे वाला है, तेरी और तेरे आने वाले बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। वो आवारा तुझे क्या दे सकता है? क्या मेरे माँ बाप जो छोड़ कर मरे हैं, क्या वो हमारे लिए काफी नहीं है मामा जी? बताए ना मामा जी, क्या वो हमारे लिए काफी नहीं है मामा जी? माँ क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारे नसीब में दौलत, इज्जत और मकाम नहीं? क्या हमारे हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हम ऐसे ही तंगदस्ती की जिंदगी गुजारेंगे? अल्लाह का शुक्र कर बेटा कि जिसने हमारे हाथ पांव सलामत रखे, और फिर देखना ये छोटा सा घर भी तो है जिसमें सब खुश हैं और आपस में मोहब्बत और इत्तफाक से रहते हैं। फिर ऐसी सारी दौलत का क्या करेगा बेटा, जिसमें इंसानों की बददुआएं और गरीबों का खून शामिल हो? जो हलाल है वही सबसे बेहतर है। अक्सर लोग ज्यादा के चक्कर में अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं।
अल्लाह पर भरोसा रख और याद रख, एक दिन तू बड़ा आदमी जरूर बनेगा, अगर पहले मेहनत शर्त है। माँ, तू एक वादा कर मुझसे। वादा? बोल। कि मैं चाहे जितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, मगर तू ना हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरा प्यारा बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, पक्का वादा। ओह, मुझे याद आया। क्या हुआ? मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि मुझे उनसे मिलने जाना है। ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अल्लाह की अमान में। अरे दोस्त हबीब, अंदर कमरे में तैयार हो रही है। इसने काम में देर नहीं करनी चाहिए, जाके दुल्हन को लेकर आओ, निकाह शुरू करें। मैं अभी लेकर आया। मौलवी साहब, रजिस्टर खोले, पेंसिल निकाल लें, आप तैयारी पकड़े, दुल्हन आ रही है। अबे हार गया यार। क्या करूं यार, दुनिया ने हरा दी है। दुनिया में लोग तरक्की और कामयाबी का अंदाजा उसके जमा किए हुए पैसों से लगाते हैं, और मैं सोचता हूं कि दुनिया में 80% लोग तो गरीब हैं। इसका मतलब उन्हें जीने का कोई हक नहीं। ये दुनिया है यार, यहाँ ऐसे ही बेहदायते लोग हैं। हमें ऐसी सिचुएशन में अपना सर्वाइवल करना है। अबे क्या खाक सर्वाइवल करेंगे हैं? घर जाओ तो बाप की बातें सुननी पड़ती हैं, बाहर नौकरी की मुश्किलात हैं, और वो मामा हीरदा, उसकी वक्री टेंशन। ऐसे में मैं क्या खाक तरक्की करूंगा? और ये वेले भी कुछ नहीं करेंगे। तुझे कह रहे वेला नहीं हूं मैं। हाँ। नहीं हूं मैं वेला। हाँ, पकड़। बहुत मसरूफ आदमी हूँ मैं। बहुत मसरूफ आदमी। हाँ। है, अब अपने बाप का खाता है और उसी का बाथरूम भरता है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, अपने बाप का खाता हूँ, तुम लोगों के बाप का नहीं खाता। और फिर तुम लोगों ने वो गाना नहीं सुना? कौन सा? जवानी फिर ना आए, फिर ना आए। अबे ओ, फटी जवानी इधर रह, संजीदा गुफ्तगू हो रही है, संजीदा। कंट्रोल कर, कंट्रोल। ओ नहीं होता कंट्रोल पाजी, नहीं होता कंट्रोल। ये तो हाल है उनका, ये क्या खाक तरक्की करेंगे। तरक्की, ओल्ड पैशन। तरक्की करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओए बे कैसे? बॉस, बॉस दो नंबर आदमी है यार। बॉस दो नंबर आदमी नहीं है यार। तो क्या ढाई नंबर है? वो एक रेवोल्यूशनरी आदमी है, जिसने हमें तरक्की करना और दुनिया से अपना हक लेना सिखाया है। वो अपने काम का किंग है, और उसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क? वो जो वो लोगों का खून और कत्ल, वो सब क्या माफ हो गया? वो किसी का कत्ल नहीं करता, सिवाय उसके जो वो अपने दिफा में करता है। और अपने दिफा में किसी का कत्ल करना कोई जुर्म नहीं है, और ना ही कोई गुनाह। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सबसे पहला सवाल कि वो क्या काम करता है? हाँ, अब बोल। फेक मेडिसिंस। तो क्या जैली दवाइयां बनाना गुनाह और जुर्म नहीं है? वो ऐसी दवाइयां नहीं बनाता जिससे सेहतमंद लोग बीमार हो जाएं, बल्कि वो ऐसी बीमारियों के लिए दवाइयां बनाता है जो इस दुनिया में लाइलाज हैं। हैं? क्या मतलब लाइलाज है? मसलन वो एड्स, हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए दवाइयां बनाता है। यानी वो ऐसे लोगों के लिए दवाइयां बनाता है जो पहले से ही मौत का शिकार हैं। अगर हमारी दवाइयां खाकर वो 10 दिन पहले मर जाए, और सही दवाइयां खाकर 10 दिन बाद, तो क्या फर्क पड़ता है? मरना तो उसने है ही, इसलिए ये बहुत बेहतर कारोबार है, दोनों तरफ मुनाफा। कहाँ है मेरी भांजी? निकालो उसे।
यहाँ स्नूकर खेल रहे हो और वहाँ मेरा मामा उस ओल्ड मैन से मेरी शादी करवा रहा है। डू समथिंग। अरे मैं क्या करूँ, तुम्हारा मामा तुम्हारी शादी मेरे साथ बिल्कुल नहीं करना चाहता भाई। वो नहीं चाहता, मैं तो चाहती हूँ ना। मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुम क्या चाहते हो। देखो, मोहब्बत में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। मेरे पास ना तो नौकरी है और ना बाप की छोड़ी हुई कोई जायदाद, और ऐसे में तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ है और मौत भी तुम्हारे साथ। तुम मुझे जहां भी रखोगे मैं खुश रहूंगी, गिला नहीं करूंगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, चीजों से नहीं। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं तुम्हारे बगैर किसी से शादी नहीं करना चाहती। ओके ओके, बस बस, अब रुलाओगी क्या? मेरे ख्याल में तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं बाबा, क्योंकि तुम इसके मामू को भी अच्छी तरह जानते हो और अपने बाप को भी। जबान को लगाम दो मामा जी, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस सेठ को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बबरिक मेरा भाई है और मैं उसे भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो इज्जत बचाने वालों में से है, लूटने वालों में से नहीं। वो शादी करने वालों में से है, लड़की भगाने वालों में से नहीं। जानता हूं तुम्हारे भाई को और तुम्हारे भाई के आवारागर दोस्तों को, जिनके साथ वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। अगर सीधे तरीके से मेरी भांजी को वापस ना किया तो मैं उसके खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा, पर्चा। और बाकी पुलिस अपने तरीके से मालूमात कर लेगी। मुझसे ज्यादा तुम पुलिस वालों को अच्छी तरह जानते हो कि वो कितने ईमान वाले हैं। और एक बात कान खोल कर सुन लो, सुबह तक मेरी भांजी मेरे घर में होनी चाहिए, समझे? हेलो, सोगो मुखबिरे नोब्यावा जजम वर्पसे। बॉस, इसका मसला अब आपने हल करना है। इसका मसला मैंने हल करना है? क्यों, ये लबड़ है क्या? लबड़। ओए, ये पागल तो नहीं है? लबड़। शीशा लिया। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा इलाका है और बॉस का दूसरा घर भी। आज के बाद तुम्हारे सारे मसले खत्म। अभी बॉस आने वाले हैं। लगता है बॉस आ गए। Thank you.
मान ले कि उसका कत्ल तू नहीं किया है, तूने। तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे चोट नहीं मनवा सकती। ओए, इसे उल्टा टांग दो, सुबह होने तक कुत्ते की तरह मारो, ले जाओ इसे, ले जाओ। जुल्म चलता रहा और मैं बर्दाश्त करता रहा। मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। आप इसे अदालत की इजाजत के बगैर हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है मौके वारदात पर। मैं मुलजिम से इकबाल जुर्म करवाना बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई है और मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये जुर्म इसने नहीं किया, लिहाजा आप इसे छोड़ दें। छोड़ दूं? ऐसा कुछ मैंने भी कहा था तुमसे एक दिन, याद है तुम्हें? मगर तुमने नहीं छोड़ा। वो एक मुजरिम था। यह भी मुजरिम है। मैंने इसके खिलाफ पर्चा काट दिया है। जाओ जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाओ। ठीक है, देख लूंगा तुझे। मगर किसी ने नहीं सुनी, उसकी आवाज उस कमरे में ही दब कर रह गई। मेरे भाई की सारी कोशिश नाकाम हो गई। बेच दिया है अपने ईमान को, खुदा बना लिया है लोगों ने पैसे को। खुदा, खुदा, मैं नहीं जानता कि मेरे माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। ये मेरी जिंदगी की सबसे तवील और तारीख रात है। सर, मुझे अपने भाई की जमानत करनी है। किसने दी उसकी जमानत? बहुत मारा इन जालिमों ने। ये भी नहीं देखते कि अगला बदमाश आदमी है या शरीफ आदमी। बहुत जालिम हैं ये लोग। मेरे भाई, मैं तेरे दर्द को महसूस कर सकता हूं। जानता हूं कि इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया तेरे साथ, लेकिन अब तू फिक्र ना करना। अब मैं आ गया हूं ना, कांधा दो इसे। मुझे सहारे की जरूरत नहीं। तू बिल्कुल मेरी तरह है, तेरी यही खुददारी तो मुझे पसंद है। आज के बाद तू कोई टेंशन नहीं लेना, अब तू मेरे लिए काम करेगा। काम क्या करना होगा? काम सिंपल है, हकदारों को उनका हक दिलाना है। मौत बर हक है, मजलूमों के साथ जुल्म नहीं होने देना। चलें। सॉरी सर, माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि ये आपका भाई है। अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, मेरे भाई से मांगो। मैं आपसे भी। मेरा खून तुझे एक रोज बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर। और मैं जिंदगी के इस मोड़ से उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर
आखिरी बार नजर भर के मैंने अपने भाई को देखा। कहां जा रहा है तू? अपनी मंजिल की तरफ। अगर कुछ बन गया तो वापस जरूर लौटूंगा। आज मैं घर वापस नहीं लौटा और ना ही मुड़कर मैंने अपने भाई को देखा। बस चलता रहा। नायाब, कहां से आई हो? मैं अंकल अंसारी के घर गई थी। हो आई हो अपने यार के घर से? मामा जी। क्या मामा जी, अरसा हो गया, उसने आज तक कभी अपने माँ बाप की खबर नहीं ली, तेरा क्या पता करेगा? उसने बुला दिया है तुझे, अब बेहतर होगा कि तू भी उसे भूल जा। वो मुझे नहीं भुला सकता मामा जी, मर के भी नहीं। लगता है मोहब्बत ने तुम्हारा दिमाग बंद कर दिया है। वो जिस दुनिया में रहता है वहां शराब, औरत और दौलत आम सी बात है, समझी तुम? और जब ये चीजें आम सी होती हैं, वहां बहुत कम लोगों के ईमान बच पाते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि वो दुनिया के लिए एक बुरा इंसान हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दे, क्योंकि मैं जानती हूं उसके खमीर में वफा है उसके अपनों के लिए। अपनों के लिए, वाह। देखो बेटा, आज भी मेरा दोस्त तेरी राह देख रहा है, दौलत मोहब्बत सब कुछ देगा तुझे। उसने कौन सा सारी जिंदगी जिंदा रहना है, उसके बाद सब कुछ हमारा होगा, उसके बाद जो जी में आए करना। हा? आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अगर आज वो जिंदा होते तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी को देखते और उसकी पसंद की इज्जत करते। ये सब तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, तुम्हारी वजह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। मैं कैसी बदनसीब हूं, माँ बाप से मोहब्बत की तो वो चले गए, तुमसे मोहब्बत की तुम भी चले गए। प्लीज हनी कम बैक, प्लीज कम बैक, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम मेरी सारी बात को समझ गए? उसे मनाने का ये आखिरी तरीका है? मैं तेरी सारी बात समझ गया हूं। ये सब कुछ कैसे करना है ये मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है, मुझे तेरा इंतजार रहेगा, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। मैंने आंटी की रिपोर्ट्स बहुत गौर से देखी है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब, उन्हें आखिर बीमारी क्या है? उन्हें कैंसर है। व्हाट, कैंसर? जी। मगर कैसे डॉक्टर साहब? ये कुछ टेस्ट लिखकर आपको दे रहा हूं, अगली बार साथ लाइएगा। उनका इलाज तो बहुत ठीक हो रहा था, लगता है
जाली दवाइयों ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ओह माय गॉड, ये जाली दवाइयां। डॉक्टर साहब, उनके इलाज के लिए कितने पैसे दरकार होंगे और कहां उनका इलाज ज्यादा बेहतर हो सकेगा? जहां तक इलाज का ताल्लुक है, शहर के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सकता है, और रकम लाखों में चाहिए। लाखों? चलें, मैं कुछ करता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? सर, मुझे माँ के इलाज के लिए पैसों की अशद जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए? सर, यही कोई 15 लाख रुपए। गवर्नमेंट तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुम्हें इतने पैसे नहीं देगी। अगर रकम हजारों में होती तो मैं अभी अप्रूव कर देता। मगर क्यों सर, गवर्नमेंट हमें क्यों मेडिकल अलाउंस नहीं दे सकती? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना मेडिकल अलाउंस नहीं रखा। इट्स वेरी सैड बट इट्स ट्रू। मुझे बहुत अफसोस के साथ तुम्हें इनकार करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे अख्तियार में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। गवर्नमेंट हमारी तनख्वाहों में से टैक्स वसूल करती है, फिर हमें बुनियादी सहूलत देना उनकी जिम्मेदारी है, और मेडिकल और तालीम जैसी सहूलत तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अहम है सर। तुम जानते हो बेटा, मैं अपने बाप का इलाज नहीं करवा सका था। मेरा बाप इस दुनिया से बेइलाज ही चला गया, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं, मगर कानून को बदलना हमारा काम नहीं है, और हर सियासतदान इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचता, और मुल्क के तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमारे मुल्क का अपना निजाम है। अब न जाने कौन बेड़ा उठाएगा इस निजाम को बदलने का। शुक्रिया सर, मैं चलता हूं। ये तो है, आओ भाई। तो दोनों मियां बीवी में क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं बेटा। तुम बताओ, तुम आज बड़े खुश लग रहे हो। अब्बू जान, मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल में बात की है, और वो अम्मी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने में राजी हो गए हैं। शौकत खानम? लेकिन बेटा वो तो कैंसर हॉस्पिटल है। लेकिन वो बाकी बीमारियों का भी इलाज करते हैं। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। तैमूर, मुझे ये तो बता के बबरी का कुछ पता चला? बड़ी मुद्दत हुई है उसे देखे हुए। अब्दा, बबरक जिस दुनिया में चला गया है वहां से लोग कम ही वापस आते हैं। डैड, मैं वापस आ गया हूं डैड। माँ, एक मिनट, माँ एक मिनट। ये ले, 10 लाख रुपए का चेक है, सिर्फ तेरे इलाज के लिए, बस। अरे डैड, डैड, अरे डैड, ये आपके लिए सोने की घड़ी है, सोने की।
अब आप लोगों को पैसों की कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहुत बड़े आदमी बन गए हैं आप, बहुत पैसा आ गया है आपके पास। आपदा भाई मुबारक हो, देखो तो तुम्हारा लाडला बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वाह, वह सारी इंसानियत का कत्ल करने वाला दुनिया का तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन इस घर का एक छोटा शख्स ही रहेगा, छोटा। तो दूसरों का घर बर्बाद करके आप अपना घर आबाद करने चले हैं? यही सिखाया था मैंने तुम्हें, यही दिन देखने के लिए मैंने दीनी तालीम दी थी तुम्हें। बोलो। आपने तो नहीं डैड, लेकिन दुनिया ने मुझे यही सिखाया है, मां की तरह प्यार से कोई खाना नहीं खिलाता और ना ही कोई आपके आंसू पोछता है डैड। यही सिखाया है मुझे इस दुनिया ने डैड, जो हक ना दे उसे जीने का हक ना दो। गरीब की कोई इज्जत नहीं है डैड इस दुनिया में, कोई इज्जत नहीं। ना तो हम किसी की मौत को रोक सकते हैं और ना ही जिंदगी को पैदा होने से। ये सबक तुम्हें तुम्हारे बॉस ने ही दिया होगा? यकीनन, यकीनन। बबरक बेटा, सब्र करना सीखो, सब्र। फैसले जोश से नहीं, होश से करना सीखो, होश से। ये जिसकी तालीम पर तुम चल रहे हो ना, ये इंसान के रूप में शैतान है, शैतान। हाँ, एक दिन आने वाला है जब जब ये तुम्हें धोखा दे जाएगा, उस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, हाथ मलते रह जाओगे, हाथ मलते। क्या हो गया तुम्हें बेटा, इतने अरसे के बाद घर आया और तुम दोनों ने फिर वही झगड़ा शुरू कर दिया, अब बस भी कर दो ना। नहीं आपदा, ना, नहीं चाहिए इसकी हराम की कमाई की कोई चीज भी हमें। वापस कर दो इसे, इसकी तमाम चीजें। और सुनो, ये जो तुम्हारी सोने की लाखों रुपए की घड़ी है ना, ये भी वही काम करती है जो मेरी 300 रुपए की घड़ी करती है। किस काम की, किस काम की तुम्हारी ये ब्रांडेड चीजें, जब मेरा अपना बेटा ही मेरे काम का नहीं रहा, क्या रह गया मेरे पास? चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बाबा, यहां से निकलने का टाइम आ गया, चले। मां, क्या तू मेरे साथ चलेगी? मेरे लाल, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, लेकिन मेरा असली घर तो मेरे खामिद का घर है ना, और उनका हक मुझ पर तुझसे कहीं ज्यादा है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती।
उस रोज मेरे घर से सिर्फ मेरा कुत्ता ही मेरे साथ गया। शायद वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त और वफादार था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने आया हूं जानेमन। वो तुम्हें मर के भी नहीं बन सकती। मैं जिसके नाम से बैठी हूँ सारी जिंदगी उसी के नाम से बैठी रहूंगी। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती मना लूंगा। मेरे करीब मत आना वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हारा मामा तुम्हें मुझे बेच के चला गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है मेरी जान। छोड़ो। ओए मामा हीर दया, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। दोबारा इतनी दूर मत जाना क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता। इतना प्यार करती हो मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा, मेरी सोच से भी ज्यादा? तो अगर मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त ये कहूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चलोगी मेरे साथ? मामा जी, मैं घर छोड़ के जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह आपको ये पत्थरों और ईंटों का घर मुबारक करे। जहां जी चाहे ले चलो। पिछले 6 महीनों से नुकसान पे नुकसान। क्या क्या तुमने? मेरे गोदामों पे हमले। क्या क्या तुमने? मेरे दो भाई मर गया। क्या क्या तुमने? क्या क्या? आप बस हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहो। आखिर कुछ करता क्यों नहीं है? बॉस अकेला नहीं, समझे? उसके पास भी बंदों की पूरी फौज है और उसका सबसे बड़ा हथियार बाबा है, बाबा जिसने उसका सारा कारोबार संभाला हुआ है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने में उसका नाम सबसे अव्वल है। तो फिर ढूंढो सबको और चुन चुन के मारो। उन्हें मारना इतना आसान नहीं खान, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अरे तुम क्या मारेगा बॉस को? क्या मारेगा बॉस को? तुम तो खुद बॉस से डरता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे अभी मैं सबसे पहला अटैक बाबा के घर पे करूंगा। बाबा के घर पे
ले उठ। रेस्क्यू 1122। आ गए अपनों से मिल गए। क्या बात है भाई, तू कुछ खुश नहीं लग रहा। मुझे मेरे बाप ने घर से निकाल दिया और मेरी दी हुई तमाम चीजों को वापस कर दिया, ये कहकर कि मुझे तेरी हराम की कमाई नहीं चाहिए। पैसा तो पैसा होता है भाई, इसमें हराम हलाल नहीं होता आजकल के दौर में। लेकिन खैर, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये खून लेकर ही जान छोड़ते हैं। लेकिन तू छोड़ इन बातों को, तू अपनी कामयाबी के मजे ले, मजे। Hmm.
तुम? हेलो। तुम इतनी रात को मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? तुम नशे में भी हो? हेयर तो है? क्या बात है, बोलो। किसी को बताना नहीं। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। पहले वादा करो। पक्का वादा। तुम मुझे नाराज भी नहीं होगी और मुझे रोकोगी भी नहीं। मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं और तुमसे नाराज भी नहीं होगी, ठीक है? सच्ची। मैं तुमसे वो मैं अब बोल भी दो। वो मैं तुमसे वो करना चाहता हूँ जो सब करते हैं मगर बताते हुए शर्माते हैं। वो? हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझमें कोई कमी है क्या, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट? वो इसलिए नहीं हो सकता कि अभी हमारी शादी नहीं हुई। एक मिनट, वो मैं तुमसे यही तो कहना चाहता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझी कि तुम। तुम क्या समझी? तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं कब से तुम्हें यही कहना चाहती थी। बहुत दफा सोचा कि तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं, मगर मौका ही नहीं मिला। अब मेरा दिल करे मैं तुम्हें जोर से गले से लगा लूं। बाबा? हाँ? ओफो। आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। याद बात सुनो, निकाह तो हो गया बगैर मिठाई के, लेकिन मौलवी साहब आप ये बताओ, आपने वजू किया था? तुम वजू की बात कर रहे हो? मैं गुसल करके भी आया हूँ। अच्छा, अबे यार मौलवी, अगर नहीं किया तो बता दे, ये ना हो निकाह वाले दिन हमारे यार को तलाक। चुप। खुशी के मौके पर ऐसी मनहूस बातें नहीं करते। सॉरी सर, स्लिप हो गया। हाँ, जैसे सुबह सुबह नाश्ते में साबुन खाते हो। शुक्र करो शैम्पू नहीं पीता, वरना ये हाल होता। हेलो बॉस। बड़ा जालिम है ये खान, बड़ा जालिम है। देखो ना, पहले तुम्हारे भाई पे अटैक किया और अब वो तेरी मौत की प्लानिंग कर रहा है, तेरी। ये तो गया, इसकी फिल्म खत्म। मान लो बटल ढेर अग्राना खबर आदा असि धारा तो हुआ है ना पिंजल लस लख रुपये जड़े वे और शल लख दे दा बेले हसे नूर जंग दे पकार दे ना। तेरे साथ हमारी कोई साथी दुश्मनी नहीं है, तू जाना चाहता है तो चला जा। मारने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इसलिए क्योंकि तूने मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए डेविड को पैसे दिए थे। कुत्ता, कुत्ता साला बॉस। मोसे ना मेरा, समझा? वो ना अच्छा दोस्त है और ना अच्छा दुश्मन, वो अस्तीन का सांप है। और एक दिन तुझे भी डसेगा, तुझे भी। Hmm.
खान को मारने के बाद इस शहर में हमें अपनी हुकूमत को और भी जमाना होगा और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हमें खान के कारोबार को भी हथियाना होगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बड़ा नेटवर्क हो। तो फिर इसके लिए ये कहानी डालेंगे हम कि बड़े बड़े तमाम इलाकों के सप्लायर्स को अपने साथ मिलाएंगे, ठीक है, और अपने नेटवर्क को वसी करेंगे। सोच ले खान, इसमें तेरा भी फायदा है और हमारा भी। मगर खान के नेटवर्क का क्या होगा? खान की कहानी अब खत्म। आज के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा होगा, यानी के बॉस का। हमारे मुल्क के स्टैटिस्टिक के मुताबिक इस मुल्क में 1000 से ज्यादा लोग जारी दवाइयों से डेली इन्फेक्टेड हो रहे हैं और हमारा टारगेट कम से कम 5000 लोगों का है। क्योंकि हाइपेटाइटिस, कैंसर और एड्स के मरीज इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। और सेहतमंद आदमी के लिए ये दुआएं बेकार हैं। हम तो सिर्फ लोगों की मौत को आसान बना रहे हैं और साथ ही साथ हम तुम लोगों को फायदा भी दे रहे हैं। इतना बुरा सौदा नहीं है, क्या बोलता है? डन। ओके। खान के कारोबार को हथियाने के बाद इस शहर में सिर्फ दो ही ताकतवर लोग बचे हैं। खान की मौत के बाद लोगों में एक खौफ सा फैल गया कि कंपटीशन का अंजाम मौत भी हो सकता है। अब हमें इस मुल्क में अपनी हुकूमत को कायम करना है और रहना है बेताज बादशाह की तरह। बेताज बादशाह की तरह। बॉस, दुश्मन तो बाबा ने सारे मार दिए हैं, अब बाबा शहर के सबसे ताकतवर आदमी बन गए हैं। बॉस, बाबा ने आपके साथ दोस्ती और वफादारी खूब निभाई है आपके साथ। कारोबार में रिश्तेदारी और जज्बात से ज्यादा ताकत की परवाह करते हैं। जो लोग अपना रोब और दबदबा लोगों पर बरकरार रखते हैं वही कामयाब होते हैं और लोग भी उनसे पंगा नहीं लेते। समझे मेरे दोस्त? मैं जहनों पर हुकूमत करता हूं, जहनों पर। मगर एक और भी बात है बॉस। बॉस, आपके साथ साथ बाबा भी ताकतवर हो गया है। वो शहर में दूसरा आदमी है जिसका नाम कारोबार के लोग जानते हैं। हमें अपनी हुकूमत जमाने के लिए बहुत आगे जाना है। क्या मतलब? अगर आपका मोहरा आपके खिलाफ चल गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तैमूर, मैं और तुम्हारा बाप क्लास फेलो थे। हम दोनों ने इकट्ठे CSS के पर्चे दिए और सरकारी नौकरियां ज्वाइन की, लेकिन रिश्वत के पैसे बटोरने के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क की खिदमत करने के लिए। मेरे माँ बाप ने यही मुझे सिखाया था और मैंने उस पर अमल भी किया। बड़ी कुर्बानियां दी हैं मैंने अल्लाह के दीन और अपने उसूलों के लिए, लेकिन कभी किसी बुराई के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, पैसों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा, हमेशा सब्र किया अपने खुदा के फैसलों पर। सर, मैं आपके जज्बों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। तो फिर तुम्हें इस बात से भी वाकिफ होना चाहिए कि बॉस के कारोबार और जाली दवाइयों की वजह से इस मुल्क में बेशुमार लोगों की जानें जा रही हैं।
क्राइम रेशो बढ़ती जा रही है इस शहर में और पुलिस का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। मगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर कि मेरे इलाके में क्राइम रेशो ना बढ़े। अगर ऐसा होता तो पब्लिक अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता, तो तुम्हारे पास बॉस के खिलाफ सबूत होते। बबरक तुम्हारा भाई है और मेरे दोस्त का बेटा, मगर अब वो एक मुजरिम है और अब वो वापस लौट कर नहीं आएगा, यही हकीकत है। इसीलिए मुझे वो दोनों सलाखों के पीछे चाहिए, इसी में बेहतरी है। जी सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। और अगर तुम अपने भाई के खिलाफ हक की जंग नहीं लड़ सकते तो मैं ये केस किसी दूसरे के सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो हर हाल में चाहिए, जिंदा या मरता। आपदा, अरे सुन रही हो या आज भी अपने बेटे के लिए दुआएं किए जा रही हो? आपदा, 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 या अल्लाह खैर। बाबा तैमूर मिलने के लिए आया वो भी वर्दी में। अच्छा चल चलें। चलो क्या बात है, आज मेरे घर कैसे आ गया? आज मैं तुझसे एक भाई की हैसियत से मिलने आया और तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल, खुलकर बोल, क्या बात है? तुझे पता है कि तू इस वक्त वांटेड है पुलिस को। वांटेड? और मैं? वाओ, वांटेड। कितना इनाम रखा है तेरी सरकार ने मेरे सर पर? आई एम सीरियस, पुलिस को तू हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तुझे गोली नहीं मार सकता, मगर तेरा केस मेरे पास है, अगर तू मेरी माने तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी भी मदद करनी होगी। क्या करना पड़ेगा मुझे? तुझे पुलिस का मुखबर बनना होगा और अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। और फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो बॉस जैसे लोगों का हाल होता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा कानून इंसाफ दिलाएगा? हाँ। तेरा कानून तो गरीबों को इंसाफ नहीं दिला सकता, तो उन जैसे ताकतवर लोगों के साथ क्या पंगा लेगा? रोज थाने और कचहरियों में लोग अपना ईमान बेचते हैं। तू उन्हें गिरफ्तार तो कर सकता है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिला सकता, क्योंकि तेरी अदालतें उनके पैसों के लिए मोहताज हैं, और मोहताज आदमी मांग तो सकता है मगर दे नहीं सकता। तो क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? पल पल जीना है
और हर पल जीना है। हाँ। हेलो, तू आ गया बेटा। मैंने मैंने तेरी सलामती के लिए बड़ी दुआएं मांगी। मैंने भी मां, तेरी कमी को अपनी जिंदगी में पल पल महसूस किया है मां। अब अपनी मां को अकेला छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बस तू जल्दी से ठीक हो जा। अभी तो तुझे मेरे बेटे की पैदाइश पर खुशियां भी मनानी है। शुक्र कर खुदा का कि तुझे नायाब जैसी बीवी मिली, वरना कवारा ही रह जाता तू। इतना बुरा नहीं हूं मां मैं। मां, तू कहती थी ना कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तो देख आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी हूं। मेरे पास दौलत, इज्जत, मकाम, सब कुछ है, सब कुछ। तू सही कहती थी मां, बिल्कुल सही कहती थी कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। देख आज मैं बड़ा आदमी बन गया। ऐ बेटा, ताकत और दौलत से बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि बड़ा आदमी तो अपने किरदार से बनता है। और मुझे यकीन है, हाँ, कि एक दिन मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी। हाँ, बस आज एक वादा चाहिए मुझे तुझसे। बता माँ, क्या वादा चाहिए? बता, क्या वादा चाहिए? तू ये लोगों का खून बहाना छोड़ देगा, बंद कर देगा ये कारोबार, वरना न जाने कितने बेगुनाहों का खून तेरे सरों का वादा कर मुझसे कि छोड़ देगा तू ये कारोबार। मां नहीं रही अब इस दुनिया में, दुआएं देने वाली चली गई मुझे अकेला छोड़कर। मां के मरने के बाद जैसे जैसे जिंदगी ही बदल गई हो, क्योंकि मौत पर हक है और हम सबको यहीं आना है। मां भी नहीं रही और पाप भी रूठ गया है। अब तो तू सुधर जा, वरना ये भाई भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ये भाई। शायद मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूं, शायद सबसे बदनसीब कि मैंने मां को अपने
अपने हाथों से मार दिया यार। लेकिन अब किसी की मां नहीं मरेगी, अब मरेंगे तो सिर्फ जाली दवाइयां बनाने वाले। अब तुझे सिर्फ गॉड ही बचा सकता है, मगर लगता है कि वो भी आज बिजी है। बॉस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हजारों लोग मरते हैं, तू पागल तो नहीं हो गया? लाखों लोग मरते हैं इस मुल्क के अंदर, एक तेरी मां मर गई तो क्या कयामत आ गई? ये कंपनी मैंने बनाई है, अपना खून देकर तेरे बाप ने लाए। तेरी गुलामी खत्म, बस। मेरी जिस कारोबार को मैंने और बॉस ने मिलकर बनाया था, उस कारोबार को मैंने अकेले ही आधे से ज्यादा खत्म कर दिया। मैंने इस शहर के एक एक करके सारे डॉन बारी बारी पॉपकॉर्न कर दिए। पॉपकॉर्न आया तैमूर बेटा। बेटा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें घर से ही निकाला था और तुमने अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए हम पर। हाँ? मुझे माफ कर दें, मुझसे अनजाने में बहुत गलतियां हो गई बाबा, बहुत गलतियां हो गई। गलती तो हर इंसान कर ही लेता है बेटा, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छे और रोशन मुस्तकबिल का आगाज करता है। हाँ। बाबा ठीक है, बाबा ठीक है, आज के बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आप मुझे कहेंगे। हाँ, और मैं गिरफ्तारी दूंगा गिरफ्तारी अपने भाई तैमूर को। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप मुझसे कितना प्यार करता था। आज मुझे एहसास हुआ बाबा, आज मुझे एहसास हुआ। हाँ? बाबा मैं जाता हूं। कहाँ? मैं नायब को लेकर आता हूं। हाँ, हाँ। आज के बाद
हम सब यहां इस घर में रहेंगे ना बाबा, इस घर में रहेंगे। मैं जाता हूं बाबा, मैं जाता हूं। अल्लाह उठो ना, प्लीज उठ जाओ ना। तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे? غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے اپنی آخری جنگ میں کامیاب کر، آمین۔ خدا حافظ میرے دوست، خدا حافظ۔
किधर है? दूसरे गोदाम में। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारी कहानी का एंड आ चुका। इससे पहले ये लोग तुझे गोली मार दें, खुद ही सलेंडर हो जा। जिंदगी का वक्त जैसे थम गया हो, अब घड़ी है आखिरी फैसले की। मेरे मौला, मुझे अपने गमों से आजाद कर दे और मुझे सुकून दे। सुकून मेरी मोहब्बत और मेरे खून का कर्ज सभी जैसे यकजा हो गया हो।
देख लिया मुझसे भिड़ने का अंजाम। तुझ जैसे बच्चे मेरी हुकूमत को खत्म नहीं कर सकते। मैं कल भी जिंदा था और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। काश मौला तू मुझे फिर से मौका देता तो मैं हमेशा तेरे रास्ते पर चलता। मौला सिर्फ तेरे रास्ते पर। और इसी तरह हर इंसान को किसी ना किसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक और अपने मुकद्दर तक पहुंचना होगा। मगर मेरी सांसें आज भी चल रही हैं और मेरा मकसद आज भी जिंदा है मेरे फर्ज के साथ, और मैं एक एक करके बाकी बचे मौत बेचने वालों को इनकी मौत तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। चाहे मेरे नाम की तख्ती शौदा में ही शामिल क्यों ना हो जाए। बट आई विल एंड फेक मेडिसिंस। Miss my fight, what faith in that?